हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स 2. ओके, एंड एक्चुअली दिस इज अवर सेकंड लेक्चर बिकॉज इफ यू रिमेंबर वी हैव टेकन द फर्स्ट लेक्चर वाया गूगल मीट. ओके, इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिलेबस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स 2. सो वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस्ड अबाउट द सिलेबस. ओके, सो टुडे वी विल मूव टू अवर directly we will move to our unit wise discussion. So if you remember the first lecture, I have told you that there are almost 20% theory and 80% numerical plus derivation. Okay, this is if the exam is going to be offline. Okay, otherwise if it will be online, then you know it will be a multiple choice question. But suppose exam happens and suppose it will be on offline, then you have to study throughout the derivations and numerical, otherwise it will be a simple MCQ. Okay, but we have to be ready for anything. So we will prepare as we will prepare like it will going to be a offline exam. Okay, so for offline exam you have to study 20% theory, 80% numerical and derivation. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता चुका था कि यूनिट वाइज क्या क्या इसके टॉपिक्स हैं, और हमने एक चीज़ ये भी देखे थे कि जो पहला यूनिट रहेगा, द फर्स्ट यूनिट, दैट इज लेमिनार फ्लो एंड बाउंड्री लेयर थ्योरी. ये मैंने आपको बताया था कि हम इस यूनिट को, यूनिट नंबर 1 को सबसे लास्ट में करेंगे, बिकॉज फॉर बाउंड्री लेयर थ्योरी आपको फ्लो थ्रू पाइप और फ्लो थ्रू ओपन चैनल का बेसिक पता होना चाहिए. ठीक है, तो हम यूनिट नंबर 1 को लास्ट में देखेंगे. तो सबसे पहले यूनिट नंबर 2, ठीक है ना, जो कि है फ्लो थ्रू पाइप्स, वो हम देखेंगे आज से. हम वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 2 फ्रॉम टुडे. ओके, देन यूनिट नंबर 3 इज फ्लो थ्रू ओपन चैनल. ठीक है, फ्लो थ्रू ओपन चैनल यूनिट नंबर 3 है, जिसमें हम यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो देखेंगे. नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के दो टाइप होते हैं, जिसे रैपिडली वेरिड फ्लो और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोलते हैं. जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. यूनिट नंबर 4 बेसिकली डील करेगा स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम्स के लिए. ठीक है, एप्लीकेशन उसके बारे में रहेगा. यूनिट नंबर 5 रहेगा मॉडल एनालिसिस, इसमें आप रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ या फ्रॉड मॉडल लॉ देखेंगे. यूनिट नंबर 6 जो है वो पूरा हाइड्रोलिक मशीन्स के ऊपर है. ओके, अबाउट टर्बाइन पंप्स, ठीक है ना, जिसमें टर्बाइन के टाइप्स, पंप्स के टाइप, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, सबके न्यूमेरिकल है और उनके डेरिवेशन वगैरह है. ठीक है, तो ये 6 यूनिट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन है. तो आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, we will start from the unit number 2. okay, unit number 2 से हम start करेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ basics, ये FM1 का कुछ basics बता रहा हूँ, इन चीज़ों का आप हमेशा याद रखेंगे. ठीक है, क्योंकि basic चीज़ें जब numerical हम solve करेंगे FM2 में, आपको ये चीज़ें आना ज़रूरी है. तो सबसे पहली चीज़ जो बेसिक प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले मास डेंसिटी, ठीक है ना, जो लिक्विड है या फ्लूइड है उसकी जो मास डेंसिटी है, उसका फॉर्मूला याद होगा आपको, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम इज द फॉर्मूला ऑफ मास डेंसिटी. मास जो होता है वो केजी में होता है, तो उसके हमने हम केजी लिख देंगे, और वॉल्यूम जो होता है मीटर क्यूब में होता है, तो ऑटोमेटिकली मास डेंसिटी का यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब. ठीक है ना, आपको इस तरह फॉर्मूले से यूनिट बना सकते हो. ठीक है, फिर इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि मास डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. ये सब आप FM में पढ़ चुके हो, मैं जस्ट आपको रिपीट कर रहा हूँ. सो मास डेंसिटी जो है वाटर की, मास डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, उसके बाद अगर आपको किसी भी लिक्विड की मास डेंसिटी निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या था याद करिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000. ठीक है, आपको अगर किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक मास डेंसिटी निकालना है, सपोज किसी ऑयल की मास डेंसिटी निकालना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये एक ऑयल है, उसका पेट्रोल है, उसकी आपको मास डेंसिटी निकालना है. आपके पास पेट्रोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 0.8, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको पेट्रोल की मास डेंसिटी मिल जाएगी. किसी भी लिक्विड की मास डेंसिटी आप निकाल सकते हो,
आपको सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए। तो कोई भी लिक्विड की जैसे मास डेंसिटी निकालना, जैसे यहाँ पे देखिए एक लिक्विड है, इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होना चाहिए बस, और उसको जस्ट हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हम फॉर्मूले को देखेंगे तो आप एक चीज अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मास डेंसिटी वाटर की 1000 kg/m³ है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, क्योंकि 1 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वाटर की, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा में आप लोगों ने बहुत गलतियाँ की हो, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1, ओके, एंड मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, सिंपल। उसके बाद वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी का फॉर्मूला है वेट अपॉन वॉल्यूम, याद रखेंगे। आपको फॉर्मूला अगर याद होंगे तो यूनिट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। वेट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे आइए, मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे मास वर्ड आया तो ऊपर में यहाँ पे मास रहेगा, इस याद रखने का तरीका है। ठीक है, मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वेट डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम। जहां पर भी डेंसिटी वर्ड आता है हमेशा याद रखेंगे, व्हेनेवर यू विल फाइंड द वर्ड डेंसिटी इट मींस समवेयर देयर इज वॉल्यूम इन्वॉल्वड। ओके, जहां जहां भी डेंसिटी वर्ड आता है इसका मतलब उसके अपॉन में, याद रखेंगे अपॉन में वॉल्यूम होता है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होगा ही होगा। तो डेंसिटी वर्ड आया डिनोमिनेटर में वॉल्यूम, अब वेट है मतलब ऊपर वेट आएगा, सिंपल याद रखना। सो वेट डेंसिटी का फॉर्मूला होगा वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट का यूनिट क्या होता है भैया, न्यूटन। ठीक है, और वॉल्यूम का हमेशा पता है मीटर क्यूब, तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब एक चीज याद रखने वाली बात, यहाँ पर जो वेट डेंसिटी है वाटर की वो है, याद रखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब वैल्यू याद रखना है, 9810 N/m³। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, वेट डेंसिटी होती है 9810 N/m³, या उसे आप 9.81 KN/m³ भी बोल सकते हो। तो ये होती है वेट डेंसिटी, इसे हम स्मॉल डब्ल्यू के साथ में भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी लिक्विड की वेट डेंसिटी निकालना है अगर, ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे हमने मास डेंसिटी निकाले किसी लिक्विड की तो क्या किए थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द वेट डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड देन यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड विद 9810 बिकॉज द वैल्यू इज 9810 है। ओके, आपको इसको सिर्फ 9810 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपके पास उस लिक्विड की वेट डेंसिटी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सिमिलरली उसी पेट्रोल की अगर आप वेट डेंसिटी निकालोगे तो आपको कितनी आएगी, 7848। उसकी मास डेंसिटी 800 थी तो ये आएगी 7848। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, न्यूटन पर मीटर क्यूब, याद रखेंगे ये जो यूनिट रहेगा इसका न्यूटन पर मीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हम कर सकते हैं। सिमिलरली स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको निकालना है मास वेट डेंसिटी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय 9810, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। तो ये थे कुछ बेसिक यूनिट्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने बस आपको रिमाइंड करा दिया हूँ। हमेशा याद रखेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, द मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³। ओके, और किसी भी चीज़ का मास डेंसिटी निकालना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को बस 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमेशा याद रखेंगे। सिमिलरली मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना हो गया, 1 होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर होता है 1। फिर वेट डेंसिटी का कितना, क्या फॉर्मूला है, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 9810 N/m³ या फिर 9.81 KN/m³। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले बने हैं, बहुत सिंपल है, याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिक यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है फ्लो थ्रू पाइप्स, पाइप के जरिए जो लिक्विड फ्लो होता है। ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप्स हम देखेंगे। ठीक है ना, कोई भी आप पाइप कंसिडर कर लीजिए, उसकी इस तरीके से सपोज एक पाइप है। ठीक है, ये एक पाइप है सपोज, इसमें फ्लो किसी भी डायरेक्शन से मूव हो सकता है। सपोज एक पाइप है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पाइप क्या है, तो पाइप है, इट इज अ क्लोज कंड्यूट।
carrying liquid under pressure when flow occurs through pipe, there are different energy losses which are categories into the following, that is major loss and minor loss. Simple बता रहा हूँ, इसको इतना ध्यान मत दीजिए, मेरी बात सुनिए बस. कि पाइप क्या है, पाइप एक क्लोज कंड्यूट है. ये पाइप क्या होता है, पूरी तरीके से क्लोज होता है, ठीक है ना, एक तरह का क्लोज कंड्यूट है जो क्या काम करता है, कैरिंग लिक्विड, यानी लिक्विड को कैरी करता है अंडर प्रेशर. आप हमेशा देखते हैं पाइप के अंदर बहुत प्रेशर होता है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज अ क्लोज कंड्यूट. तो उसके अंदर अंडर प्रेशर, पानी प्रेशर के जरिए कोई भी प्लेस है, जैसे कि ये पॉइंट से सपोज आप पानी कोई भी पॉइंट है, जैसे कि इस पॉइंट से, ठीक है, पानी इस पॉइंट पर ट्रांसफर हो रहा है, तो वो अंडर प्रेशर मूव हो रहा है, ठीक है, अंडर प्रेशर वो पानी मूव हो रहा है थ्रू पाइप. तो जब पानी यहां से शुरू होकर इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये इतनी लेंथ है पाइप की, तो क्या होगा, उसमें लॉसेस तो हो गए होंगे. देर आर डिफरेंट एनर्जी लॉसेस विच आर कैटेगरीज इन टू द फॉलोइंग. हमेशा लॉसेज होते ही होते हैं जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पानी मूव हो रहा है. सपोज ये पॉइंट है और फिर इस पॉइंट पर पानी मूव हो रहा है इस डायरेक्शन, क्या होगा, यहाँ पे लॉसेज होते हैं. यहाँ पे दो तरह के लॉसेज होते हैं, हमेशा याद रखेंगे. पहला लॉस होता है मेजर लॉस और दूसरा लॉस होता है माइनर लॉस, ठीक है, मेजर लॉस और माइनर लॉस. अब लॉसेज हम देखेंगे आगे, उसके पहले मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ. फ्लो थ्रू पाइप जो है हमारा यूनिट नंबर 2 है, यहाँ पे मैं करेक्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है. फ्लो थ्रू पाइप जो है यूनिट नंबर 2 है. पाइप क्या है, क्लोज कंड्यूट विच रन्स अंडर प्रेशर. कुछ और मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हूँ साइड में, यही बता रहा हूँ आपको. पाइप क्या है, क्लोज कंड्यूट है जो कि अंडर प्रेशर रन करता है. पाइप ऑलवेज रन्स फुल. इस चीज को, पॉइंट को हमेशा याद रखूंगे कि जो पाइप है, जैसे कि आप ये सर्कल देख रहे हो, ये वाटर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप पूरी तरीके से भरा हुआ है पाइप. ये पाइप का एक सेक्शन है, पानी अगर है उसमें वाटर है तो वो हमेशा फुल ही रन करेगा, याद रखो, ठीक है. उसे हम पूरा पूरा एरिया यूटिलाइज करते हैं पाइप का. बट इन केस ऑफ सीवर, जो सीवेज लाइन है, सीवेज लाइन में हमको आधा एरिया करना है, क्योंकि अगर पूरा एरिया करेंगे तो जो सीवर है, जो सीवेज है, उसमें करोजन बहुत ज्यादा पैदा होता है, ठीक है ना, और वो बहुत सारी फाउल गैसेस क्रिएट करता है. गैसेस की वजह से जो पाइप का पूरा स्ट्रक्चर खराब होता है, इसलिए इसे हमें हमेशा हाफ रन करवाते हैं. इसलिए गेट में भी क्वेश्चन बार बार, एक दो बार आ चुका है एक्चुअली, कि जो सीवेज लाइन है वो एज अ ओपन चैनल फ्लो काम क्यों करती है, ठीक है ना, क्योंकि ये एज अ ओपन चैनल फ्लो काम करेगी, क्योंकि एक तरह का, क्योंकि जो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो इसके हाफ में है तकरीबन, तो ऊपर जो है फ्री सरफेस है इसका, तो यहाँ पे हमको फ्री सरफेस दिख रहा है, बट पाइप में ऐसा कोई भी फ्री सरफेस आपको नहीं दिख रहा है, बिकॉज पाइप ऑलवेज रन्स फुल. बट जो सीवर लाइन है वो हमेशा हाफ रन करती है, ठीक है, हाफ रन करने की वजह से इसको ओपन चैनल भी बोलते हैं कभी कभी. सीवेज लाइन होता है वो क्लोज कंड्यूट ही है, बट इसे ओपन चैनल बोला जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे. इसके अंदर बहुत सारी गैसेस निकलती है जो करोड करती है, ठीक है ना, पाइप को, पाइप जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए इसको हम हाफ रन करते हैं, याद रखोगे. जब भी कोई चीज फुल रन होती है तो जो हाइड्रोलिक रेडियस है, हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन पैरामीटर, ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस का होता है एरिया अपॉन पैरामीटर. तो इसका एरिया क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और पैरामीटर है पाई इंटू डी. तो जो आपका रेडियस बनेगा वो बनेगा डी बाय 4, ठीक है, बनेगा डी बाय 4 फॉर फुल रन, फॉर फुल रनिंग वाटर, ठीक है ना, ये हो गया इसका फुल रन. हाफ करोगे तो उसका वो और हाफ हो जाएगा, ठीक है ना. तो इस तरीके से हमको इसको एनालाइज करना है, ठीक है. अभी हम लिक्विड की बात करें, सीवेज की बात नहीं कर रहे, ठीक है. तो वापस आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट पे. उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, लॉसेस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पाइप के फ्लो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे. देखिए, पाइप में जो फ्लो होता है, फ्लो थ्रू पाइप्स में हमेशा याद रखेंगे दो टाइप के फ्लो बहुत ही नॉर्मल है, दैट इज लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. लैमिनार फ्लो क्या होता है, व्हेन द फ्लूइड मूव्स इन लेयर्स, ओके, ईच लेयर स्लाइड्स ओवर अदर एडजेसेंट लेयर, द फ्लो इज ऑर्डरली फ्लो. देखिए, इस तरीके से अगर एक ही लाइन में हो रहा है, ठीक है ना, एक लाइन में डिस्चार्ज हो रहा है, जो पार्टिकल एक पाथ फॉलो कर रहे हैं, अगर इस डिस्चार्ज को या इस फ्लो को बोला जाता है लैमिनार फ्लो, ठीक है, इसको बोला जाता है लैमिनार फ्लो. इसमें जो विस्कस फोर्स होती है वो
प्रीडोमिनेंट है, जो डोमिनेट करती है विस्कस फोर्स। हमेशा कोई भी पाइप में, हमेशा याद रखोगे विस्कस फोर्स ही होती है पाइप में, ठीक है। तो विस्कस फोर्स की वजह से पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव होता है। जो ओपन चैनल है, जो मतलब आप बोल सकते हो कैनाल वगैरह, उसमें ग्रेविटी फ्लो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, विस्कस फोर्स की वजह से पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव होता है। फ्लो इज लेमिनार व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000। ये आपको याद होगा, अगर 2000 से कम है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू तो हम उसे बोलते थे लेमिनार फ्लो। और जो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, और इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला ये सब आप FM में पढ़ चुके होंगे वन में। इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला क्या था, रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है ना। इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, रो वी डी अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला है इसका। लेमिनार फ्लो का अगर कोई बेस्ट एग्जाम्पल है तो वो है कैपिलरी फ्लो, कैपिलरी राइज होता है। कोई भी विस्कस फ्लो हो गया, या जो ब्लड वेसल्स है बॉडी में जो फ्लो है, या कोई भी अंडरग्राउंड फ्लो है, तो वो लेमिनार फ्लो में आता है। सिमिलरली टर्बुलेंट फ्लो जो है उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो जिगजैग मैनर में मूव करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पाइप का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाया हूँ, तो इस तरीके से पार्टिकल जो है जिगजैग मैनर में मूव करेंगे, है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करते। तो ये जो जिगजैग फ्लो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पे, टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है, पानी एकदम ऑर्डरली मूव नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे हो रही है। तो ये होता है जिगजैग फ्लो, ठीक है ना, जिगजैग मैनर में जब फ्लो होगा पार्टिकल। और रेनॉल्ड नंबर जब 4000 के ऊपर होगा तो उसे बोलेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिवर का फ्लो। हमेशा देखेंगे आप रिवर वाटर एक लाइन में मूव नहीं होता है, लहरों की तरह वो ऊपर नीचे इस तरीके से मूव होता है। तो टर्बुलेंट फ्लो का जो बेस्ट एग्जांपल है वो चैनल के अंदर, यानी कि कैनाल वगैरह के अंदर फ्लो, या रिवर फ्लो। ओपन चैनल यानी कि जो ऊपर से एटमोसफियर की तरफ ओपन है। जो 2000 से 4000 के बीच की रेनॉल्ड की वैल्यू है, क्योंकि 2000 से कम तो लेमिनार हो गया, फिर उसके बाद 4000 से ज्यादा, 4000 से ज्यादा क्या हो गया, टर्बुलेंट। लेकिन जो 2000 से 4000 के बीच में उनका क्या, तो उन्हें बोला जाता है ट्रांजिशनल फ्लो। ये लेमिनार भी हो सकते हैं और टर्बुलेंट भी हो सकते हैं, इसके बारे में कोई पर्टिकुलर आप नहीं बोल सकते, बिकॉज इट में भी लेमिनार और इट में भी टर्बुलेंट। हमें दूसरे फॉर्मूला लगा के उनके टाइप पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ फ्लो, आगे देखते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ बता रहा था कि लॉसेज इन पाइप, जो एक्चुअल हमारा जो टॉपिक है वो हमारा लॉसेज इन पाइप पर ही है। तो लॉसेज इन पाइप, पाइप जब पानी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, जैसे कि मैं एक फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक पॉइंट नंबर वन है और पॉइंट नंबर टू है, ये एक पाइप है, ठीक है ना, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। इसे मैं बना देता हूँ, ये जो हो गई इसकी लेंथ हो गई, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक के जो है इसकी ये लेंथ हो गई, ठीक है, ये हो गई इसकी लेंथ, ठीक है, ये हो गई पाइप की लेंथ, ये पॉइंट नंबर वन हो गया, ये पॉइंट नंबर टू हो गया। अब सोचिए पानी, सपोज यहाँ पे मैं फिर से एक इसका डायरेक्शन मार्क कर दू, ये यहाँ से इस डायरेक्शन में कुछ मूव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, पानी पॉइंट नंबर वन से पॉइंट नंबर टू पे जा रहा है। अब ये पाइप है, समझिए यहाँ पे, अब इसमें देखिए पानी जब यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में, सपोज जो लेंथ है तकरीबन, अज्यूम कीजिए कि कुछ 100 मीटर की लेंथ है, 100 मीटर अज्यूम करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। पॉइंट नंबर वन से पॉइंट नंबर टू पे पानी जा रहा है, तो पानी सपोज यहाँ से आपने कुछ 10 लीटर पानी यहाँ से डिस्चार्ज किया, पॉइंट नंबर वन से 10 लीटर पानी निकला, तो क्या पॉइंट नंबर टू पर 10 लीटर ही पानी पहुंचेगा, ऐसा तो नहीं है, 10 लीटर नहीं पहुंचेगा, वो 9.5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 से कम ही पानी वहां पहुंचेगा, 10 लीटर से कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको जब वो पानी यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है तो उसको लॉसेस फेस करना पड़ा है, लॉसेस फेस करना पड़ा है, हम इसका एक प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो लॉस हुआ उसका, ये लॉसेस है पाइप में बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये मेजर लॉसेस में अभी आ सकता है, माइनर लॉसेस में भी आ सकता है। अभी जो लॉसेस है हम जरा देख लेते हैं, फ्रिक्शन लॉस इन पाइप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रिक्शन लॉस इन पाइप, द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड ड्यू टू शियर स्ट्रेस बिटवीन
फ्लूइड पार्टिकल एंड पाइप वॉल इज नोन एज फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे जब पानी यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये पाइप की वॉल है, तो जो पानी की लेयर है और पाइप की जो वॉल है इनका आपस में टकराव होगा, ठीक है ना। टकराव होने की वजह से यहाँ पे शियर स्ट्रेस जनरेट होगा और शियर स्ट्रेस जनरेट होने की वजह से फ्रिक्शन पैदा होगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है यानी कि पाइप की वॉल उसे रोक रही है मूव होने से, और आपस की जो लेयर है एक के ऊपर एक जो लेयर है पानी की, है ना, यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होगी, लेयर नंबर 1, 2, 3, 4, तो जो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है उसकी वजह से भी यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। यानी कि यहाँ पे पाइप की वॉल भी फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है और लेयर्स भी क्रिएट कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा। फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से पानी जो है वो लॉस हो जाएगा, यहाँ पे वाटर लॉस होगा, लॉस हो जाए होने की वजह से जो डिस्चार्ज यहाँ से निकला है वो यहाँ उतना नहीं पहुंचेगा, तो ये हो गया फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। इसके बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूँ। लॉसेज इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है ना, जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही लॉस भी बढ़ेगा, याद रखेंगे। लॉसेज आर प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लो, ये सारी चीजें हम प्रूव भी करेंगे आगे, ठीक है ना। डेंसिटी जितना बढ़ेगी उतना लॉस भी बढ़ेगा, ये मैं आपको पूरे बता दूंगा फॉर्मूले से 2 मिनट में भी। लॉसेज आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑल्सो, जितनी लेंथ रहेगी उतना लॉस होगा, ये तो अंदाजा आप ऐसे ही लगा लो कि जितनी बड़ी लेंथ है उतना ज्यादा लॉस भी हो रहा है, जितना शॉर्ट लेंथ का पाइप है उतना कम लॉस होगा। लॉसेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर कितना भी हो लॉस में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। प्रेशर कितना भी हो लॉस से उसका कोई लेना देना नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है। लॉसेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना, तो लॉसेज का फर्क सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी, वेलोसिटी और लेंथ की वजह से होता है, इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे। अब देखेंगे लॉस के बारे में, तो लॉसेज हमेशा याद रखिए दो किस्म के लॉस है, मेजर लॉस माइनर लॉस। मेजर लॉस ऑफकोर्स नाम से ही समझ में आ रहा है जो कि ज्यादा लॉस हो रहा है। सपोज 10 लीटर डिस्चार्ज हुआ, तकरीबन अगर 2.5 लीटर टोटल लॉस है तो उसमें मेजर लॉस 2 लीटर होगा और 0.5 माइनर लॉस होगा। नाम से ही समझ में आ रहा है मेजर लॉस, तो मेजर लॉस जो है, ठीक है ना, मेजर लॉसेस सबसे पहले हम ये देखेंगे मेजर लॉसेस क्या है। तो मेजर लॉसेस सबसे पहला पॉइंट है, मेजर लॉस क्या है, मेजर लॉसेस आर ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप। इस चीज को याद रखेंगे, मेजर लॉस क्यों होता है, फ्रिक्शन की वजह से, पाइप में फ्रिक्शन जो हो रहा है। फ्रिक्शन मैंने अभी बताया, पाइप की वॉल और पानी की लेयर के बीच में, या पानी की जो आपस में लेयर एक दूसरे से टकराती है उसकी वजह से भी फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। तो पानी पाइप के अंदर जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है उसकी वजह से होगा मेजर लॉस। यानी कि आप एक चीज यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि सबसे ज्यादा पानी लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर हम पाइप की वॉल को स्मूथ रखेंगे तो हमारा डिस्चार्ज भी उतना ही पहुंचेगा, मतलब उसमें लॉसेस कम होंगे। अब आप बोलोगे इतना पानी हम बचा क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है डिमांड आजकल वाटर की बढ़ गई है, चाहे वो आपके घरों में पानी पहुंचता हो, ट्रीटमेंट प्लांट से, या एग्रीकल्चर के लिए पानी जाता हो, कम से कम हमें लॉस करवाना है, ठीक है, कम से कम लॉसेस होना चाहिए। तो मेजर लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट आता है फ्रिक्शन इन पाइप, जो घसड़, जो रगड़ पैदा हो रही है, फ्रिक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो है मेजर लॉस। अब मेजर लॉस क्या है, ऑलवेज कंसिडर्ड इन लॉन्ग पाइप एंड टेक प्लेस थ्रू द लेंथ, हमेशा ये जितने लंबे पाइप होंगे उसमें कंसिडर करेंगे और अलॉन्ग द लेंथ होगा, ऑफकोर्स अलॉन्ग द लेंथ ही होगा, ये जो आपस में जो लहरें टकरा रही है, इसका एक एग्जाम्पल मैं फिर से आपको बता दूँ, जैसे कि यहाँ से पानी इस तरीके से निकला, ठीक है ना, तो इस तरीके से लेयर्स भी टकराएगी इससे, ठीक है ना, ये लेयर्स टकराएगी वॉल से, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, जब एक दूसरे के ऊपर जो लेयर्स है ये लेयर्स का भी एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो एडजेसेंट लेयर है दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जो लेयर्स आपस में फ्रिक्शन पैदा कर रही है और जो टॉप लेयर्स है जो कि बिल्कुल वॉल के नीचे है उसके बीच में भी फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, इसलिए जो वाटर है उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है, एनर्जी लॉस हो रहा है, या आप बोल सकते हो डिस्चार्ज भी उसमें कम हो रहा है। ये हो गया हमारा लॉसेस के बारे में, ठीक है, एनर्जी लॉस इस तरीके से हो रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद ठीक है अलॉन्ग द लेंथ होता है। दूसरी चीज, फॉलोइंग इक्वेशन आर यूज फॉर कैलकुलेटिंग मेजर लॉस, हमेशा याद रखेंगे ये इक्वेशन तो आपको
याद कर लेना है पूरा। जो मेजर लॉस का इक्वेशन क्या है, एच एफ, ठीक है ना। एच एफ मतलब फ्रिक्शन लॉस या लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आप बोल सकते हो, एच एफ, ठीक है ना। इसमें जो फ्रिक्शन लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना, देखिए लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एफ, इसका मीनिंग यही हो गया। इसका फॉर्मूला हो गया, याद रखेंगे, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी डी। फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी। अब ये फॉर्मूला जो मैंने निकाला, ये निकाला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी मैंने फॉर्मूला निकाला। इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो जाता है एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी रेस टू पावर 5, ठीक है। अब आप बोलोगे कि एक फॉर्मूला है दूसरा कहाँ से आया, तो इसको बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आ जाइए। देखो एच एफ का जो बेसिक इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ये फॉर्मूला होता है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी, ठीक है। अब अगर मैंने v की जगह q बाय a रखा, और a मतलब क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, v की जगह पर या जो v है यहाँ पे रख दिया हमने q बाय a, तो q स्क्वायर हो गया और a स्क्वायर हो गया, ठीक है, एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 2 जी डी ए स्क्वायर। अब a की जगह हम क्या रख देंगे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ठीक है, इसको रख दिए। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एफ एल क्यू स्क्वायर हो गया 2 जी डी, अब ये जो d है, ठीक है ना, ये कितना हो गया, डी टू स्क्वायर तो ब्रैकेट 2 है तो 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है ना। फिर ये डी हो गया डी रेस्ट टू पावर 5 और पाई बाय 4, ठीक है ना, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 4 इधर जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा इन टर्म्स ऑफ क्यू, एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी रेस्ट टू पावर 5, ठीक है। तो वो यहाँ से आया है, जस्ट बताने के लिए आपको। तो दो फॉर्मूले, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी और एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी रेस्ट टू पावर 5, दोनों में से दोनों ही फॉर्मूले वैलिड है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एफ क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, याद रखेंगे एफ क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर। एल क्या है, लेंथ ऑफ पाइप। वी क्या है, ये वेलोसिटी। डी क्या है, डायामीटर है, नाम से समझ में आ रहा है। और फिर यहाँ पे क्यू क्या है, ऑफ कोर्स डिस्चार्ज है। तो ये पूरे टर्म्स है यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, दोनों फार्मूले याद रखना है। अब एक फार्मूला आप हमेशा कन्फ्यूज होते होंगे पॉली वाले जो है, कि कभी कई दफ़ा एच एफ का फार्मूला बन जाता है 4 FL V² / 2 GD, ये कैसा हो गया। ये ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो 4F- होता है, हमेशा याद रखेंगे 4F- होता है, ये जो 4F- है ये क्या होता है, F- होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक फर्क समझना है, F- होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और F- जो होता है वो कितना होता है, F इज इक्वल टू 4F-, यानी कि जो F है, यानी कि फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो 4 गुना होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 4 times कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसलिए हम जब यहाँ पे F को जब रिप्लेस करेंगे F- से, यहाँ पे हमको 4F लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से लिखता है। तो अगर क्वेश्चन में फ्रिक्शन फैक्टर दिया है या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो 4F- आ जाएगा, अगर नहीं है फ्रिक्शन फैक्टर है तो सिंपल है, FL V² / 2 GD, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। चलिए अब मेजर लॉस आपने देख लिया, अब देखते हैं माइनर लॉस। देखो यहाँ पे माइनर लॉसेस, ठीक है, आपको हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी। माइनर लॉसेस हम देखते हैं, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। माइनर लॉसेस, अभी तो आपने मेजर लॉस देख ली, अब देखते हैं माइनर लॉस क्या होता है, ठीक है। देखो माइनर लॉसेस में क्या होता है ना, माइनर लॉसेस बेसिकली फिटिंग के लॉसेस है, सिंपल बताता हूँ। माइनर लॉसेस कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, आर कॉल्ड एज माइनर लॉस, और आल्सो कॉल्ड एज चेंज इन डायरेक्शन एंड पाइप साइज। ये पाइप साइज है, ठीक है ना, सिंपल बताता हूँ। जब भी पानी सपोज इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है, फिर वो टर्न हो रहा है, फिर इधर जा रहा है, या इसमें सडनली इस तरीके से सपोज आप बोल सकते हो कि एक्सपांशन हो गया इस तरीके से, पाइप का पाइप थोड़ा सा एक्सपांड हो गया यहाँ पर, ठीक है, पाइप एक्सपांड हो गया, या फिर पाइप कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये देखो यहाँ पे पाइप एक्सपांड हो गया, इस केस में पाइप कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसका एरिया कम हो गया। जब इस तरीके से फिटिंग आएंगे, यहाँ पे एल्बो आएगा, यहाँ पे जॉइंट आएगा, तो एल्बो जॉइंट की वजह से जो लॉस हो रहा है, हमेशा याद रखेंगे एल्बो जॉइंट्स फिटिंग्स की वजह से जो लॉस हो रहा है उसे बोलते हैं माइनर लॉस, सिंपल याद रखना है, ठीक है। माइनर लॉसेज में टाइप देख लो, सबसे पहला लॉस होता है एंट्री। जैसे ही पानी कोई पाइप में जाएगा तो इस इतना बड़ा जो टैंक होता है, टैंक से पानी अगर छोटे से पाइप में जा रहा है तो
से टकराएगा, यानी कि इसमें एंट्री लॉस होगा। सबसे पहला लॉस होता है एंट्री, छोटे छोटे से लॉस है। एंट्री लॉस का फॉर्मूला आता है 0.5 v² / 2 g/d, v मतलब यहाँ पे वेलोसिटी। सिमिलरली जब पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, सपोज यहाँ से बाहर निकला तो उसमें क्या होगा, एक्सपांड हुआ एरिया, लॉस ड्यू टू एग्जिट कितना होगा, v² / 2 g, याद रखेंगे फॉर्मूले। उसके बाद सडन एनलार्ज हो गया, सपोज ये v1 की वेलोसिटी से आ रहा था, पाइप का एरिया बढ़ गया, यहाँ पे एनलार्जमेंट का फॉर्मूला आता है v1 - v2² / 2 g, ठीक है, ये हो गया एनलार्जमेंट का। सिमिलरली पाइप जा रहा था, एरिया कम हो गया, तो क्या हो गया, v1 और v2 देखो क्या हुआ, v2 बढ़ गया, यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे 0.5 v² / 2 g। ये सारे फार्मूला बेस्ड है, ठीक है, फार्मूला बेस्ड है, ये हो गया इसका फार्मूला। सिमिलरली पाइप यहाँ पे बेंट हुआ, ये देखो यहाँ से आया और यहाँ पे पाइप बेंट हुआ, तो इसका फार्मूला हो गया, जो बेंड का फार्मूला है kv² / 2 g, जो k होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ बेंड है, ये आपको दिया हुआ होगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले हैं माइनर लॉस के, एक बार फिर से देख लो, इसको लिख के रख लो, ठीक है। तो ये हो गया माइनर लॉस के बारे में। माइनर लॉस कौन कौन से, एंट्री में लॉस हुआ, जैसे पानी पाइप के अंदर जा रहा है तो थोड़ा सा लॉस होगा, तो 0.5 v² / 2 g, जब पानी एग्जिट कर रहा है पाइप से तो भी लॉस होता है v² / 2 g, जब एक सडन एनलार्ज हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पानी एनलार्ज हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स वाटर जो आया, रिवर्स आया, रिवर्स आने की वजह से यहाँ पे एडीज फॉर्म हुआ, एडीज फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे लॉस हुआ, तो एच एनलार्जमेंट हो गया। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी लॉस हुआ, तो वो होता है 0.5 v² / 2 g, और बैंड का जैसे मैंने आपको बताया kv² / 2 g। तो ये थे लॉसेस के बारे में, अगर किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझा है, तो मुझे बेशक आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल वगैरह या इसके एक्सटेंशन जो पार्ट है वो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।